हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 5 है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। युनसु घर वापस आकर सियांग को बताती है, मेरी बहन को हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में पता चल गया है और वो इसके खिलाफ है। सियांग पूछता है, अब तुम क्या करोगी? युनसु बोलती है, पता नहीं। सियांग बोलता है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, जो तुम्हें ठीक लगे वो करो। ग्रैंडपा की चिंता मत करना, उन्हें मैं संभाल लूंगा। युनसु बोलते है, मुझे सोचने का कुछ टाइम चाहिए। सियांग बोलता है, शादी से एक दिन पहले बता देना, जो भी तुम डिसाइड करो। युनसु कंफ्यूज हो जाती है, मैं क्या करूँ? शादी नहीं की तो ग्रैंडपा को शौक लगेगा, और कर ली तो मेरी बहन मुझसे नाराज हो जाएगी, और फैमिली के नाम पर बस वही मेरे पास है। नेक्स्ट डे युनसु लैन को आकर ही कन्विंस करने लग जाती है, सियांग ने मेरी बहुत ही हेल्प की है, मैं ये शादी कर उसे रिवॉर्ड देना चाहती हूँ। लैन बोलते, रिवॉर्ड देने के और भी तरीके हैं, अपना सामान उठाकर मेरे पास शिफ्ट हो जाओ, और अगर वो तुम्हें नहीं आने देगा तो मैं उस सियांग को कोर्ट में घसीटूंगी। युनसु घर वापस आती है, चुपचाप रूम में जा रही होती है, सियांग बाहर आ जाता है। युनसु बोलती है, मैंने अभी कुछ भी डिसाइड नहीं किया है। सियांग बोलता है, मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा था, मैंने तुम्हारे लिए खाना रखा है। इसके बाद युनसु अपने रूम में बैठकर रो रही होती है, तभी उसे लैन का कॉल आता है, तुम अभी तक सामान उठाकर क्यों नहीं आई? युनसु बताती है, प्लीज मुझे कल तक का समय दे दो। लैन मान जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग सियांग युनसु के रूम में आता है, युनसु वहाँ नहीं होती, जिसके बाद सियांग सीधा लैन के घर पहुँच जाता है और उसे युनसु के बारे में पूछता है, वो फोन भी नहीं उठा रही। लैन बताती है, युनसु यहाँ नहीं है। लैन गुआव को कॉल कर पूछती है, गुआव बताती है, वो मेरे साथ नहीं। गुआव लिन को कॉल करती है, लिन ग्रैंडपा का रूम चेक कर बोलता है, युनसु यहाँ नहीं आई है। गुआव लैन को कॉल कर ये बात बता देती है। सियांग बोलता है, हमें वापस घर जाकर देखना चाहिए, शायद पता चल सके कि वो कहाँ गई है। दोनों घर आकर युनसु का सामान देखते हैं, सियांग को युनसु के सामान में उसकी एक ड्राइंग मिलती है। लैन बताती है, बचपन में हमारे फादर यहाँ हमें लेकर गए थे। दोनों उसी जगह पहुँचते हैं, युनसु वही होती है। युनसु ने बताती है, मैं बस यहाँ कुछ सोचने आई थी, फोन की बैटरी खत्म हो गई थी तो कॉल नहीं कर पाई। सियांग बोलता है, अब तुम्हें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है तुम ये शादी ग्रैंडपा के लिए करना चाहती थी, इसलिए अब मैं इसे कैंसिल कर रहा हूँ। और सियांग उन्हें बोलता है, मैं तुम दोनों को घर छोड़ देता हूँ। लैन बोलती है, कोई जरूरत नहीं है, हम खुद चले जाएंगे। सियांग बोलता है, ठीक है तो कल मैं युनसु का सारा सामान तुम्हारे घर भिजवा दूंगा। लैन युनसु को वहाँ से लेकर चली जाती है। इसके बाद युनसु लैन को बोलती है, सियांग एक अच्छा इंसान है, मैं हमेशा उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती हूँ पर वो उन्हें संभाल लेता है, ऊपर से फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग भी है, उसमें मेरे हस्बैंड बनने की सारी खूबी है। लैन बोलती है, मानती हूँ कि वो अच्छा इंसान है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें उससे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने दूंगी। नेक्स्ट मॉर्निंग युनसु बहुत सोच विचार करने के बाद सियांग से शादी करने का डिसाइड करती है, अब चाहे इस शादी से उसे खुशी मिले या फिर रिग्रेट, पर वो करना चाहती है। युनसु वहाँ से जा रही होती है, लैन उसे वहाँ से जाता हुआ देख लेती है पर उसे रोकती नहीं। दूसरी ओर सियांग ग्रैंडपा को शादी कैंसिल होने वाली बात बताने ही वाला होता है, तभी युनसु वहाँ पहुँच जाती है। ग्रैंडपा पूछते हैं, शादी की तैयारियाँ कैसी चल रही हैं? युनसु बताती है, बहुत ही बढ़िया। सियांग ये आंसर सुनकर बहुत ही शॉक होता है, यानी युनसु शादी के लिए मान गई है। नेक्स्ट डे दोनों की शादी होती है, युनसु के फ्रेंड्स उसके पास आते हैं, तभी सियांग भी वहाँ आ जाता है और युनसु को तैयार होने के लिए कहता है। युनसु अपने फ्रेंड्स को सियांग से मिलवाती है, ये मेरा होने वाला हस्बैंड है। लिन सियांग को किस कर देता है और बोलता है, ब्रदर इन लो, अगर आपको कभी हॉस्पिटल में आना पड़े तो मेरे ही हॉस्पिटल में आना, मैं तुम्हें 20% डिस्काउंट दूंगा। और गुआव सियांग को बोलती है, मैं आपके स्कूल में ही पढ़ती हूँ, प्लीज मेरा थोड़ा ध्यान रखना। युनसु ये सब देख कर सियांग को वहाँ से भगा देती है। दोनों युनसु को बोलते हैं, अभी तक शादी भी नहीं हुई और तुम अपने हस्बैंड को प्रोटेक्ट कर रही हो। युनसु शर्मा जाती है। इसके बाद युनसु वेडिंग ड्रेस पहनकर बैठी होती है, सियांग रूम में आता है, युनसु पर से अपनी नजरों को हटा ही नहीं पाता। युनसु बोलती है, मेरी बहन भी आज यहाँ होती तो अच्छा होता। तभी लैन वहाँ आ जाती है और युनसु को बोलती है, मैं यहाँ आना नहीं चाहती थी पर डैड को प्रॉमिस किया था मैं ही तुम्हें विदा करूंगी, और प्लीज रोना मत अब इस बात पर, तुम्हारा मेकअप खराब हुआ तो मैं ठीक नहीं करूंगी। युनसु ये सब सुनकर खुश हो जाती है। लैन उसे एक नेकलेस गिफ्ट करती है, युनसु को वो बहुत ही पसंद आता है। इसके बाद लैन सियांग को रूम से बाहर लेकर आती है और उसे बोलती है, अगर इस एक साल में तुमने मेरी बहन को जरा भी दुखी या परेशान किया तो मैं तुम्हें इस लायक नहीं छोड़ूंगी कि तुम दूसरी शादी कर पाओ। सियांग बोलता है, भले ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है पर युनसु आज से मेरी वाइफ है, इसलिए उसकी खुशी का ध्यान रखना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके बाद लैन वेडिंग हॉल में आती है, लू उसे देखकर पहचान लेता है। वह उन दोनों से पूछती है, क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हो?
लैन बताती है हम अब्रोड में मिले थे। लू बोलता है हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। लैन सीट पर जाकर बैठ जाती है। लू भी उसके पास आकर चिपक कर बैठ जाता है। गुआओ से दूर होने को कहती है लेकिन वो और ज्यादा पास आ जाता है। गुआओ ये सब देखकर बोलती है लगता है इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। इसके बाद यून सुजियांग के साथ वेडिंग हॉल में एंट्री लेती है। दोनों शादी की कस्में खाते हैं और फिर एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं। और अब किस की बारी होती है जिसमें दोनों ने पहले से डिसाइड किया होता है कि वो फिर किस करने वाले हैं। लेकिन यून सुजियांग को रियल किस कर देती है। जियांग शॉक हो जाता है। नेक्स्ट सीन में सभी ग्रुप फोटो क्लिक करा रहे होते हैं। ग्रैंडपा दोनों को बोलते हैं आज की शादी में सब कुछ परफेक्ट था स्पेशली तुम दोनों का किस। ग्रैंडपा युनसु को गिफ्ट में अपना डेबिट कार्ड देते हैं। युनसु लेने से मना कर देती है। ग्रैंडपा इंसिस्ट करते हैं तो युनसु रख लेती है। ग्रैंडपा वहां से चले जाते हैं। युनसु वो कार्ड जियांग को लौटा देती है और कपड़े चेंज करने अंदर चली जाती है। दोनों वहां से जा रहे होते हैं। जियांग युनसु की सीट बेल्ट बांधता है और उसे लिप्स देकर उसे उन दोनों का किस याद आ जाता है। इसके बाद युनसु घर पर बैठी होती है और किस के बारे में सोचकर खुश हो रही होती है। तभी जियांग वहां आ जाता है और युनसु को बोलता है तुम जाकर शावर ले लो फिर मैं तुम्हारे रूम में आऊंगा। युनसु ये सुनकर खुश हो जाती है क्योंकि उसके दिमाग में ऐसा वैसा चल रहा होता है। युनसु शावर लेकर जियांग का इंतजार करती है। जियांग रूम के अंदर आता है। युनसु की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता लेकिन जियांग उसे पढ़ने के लिए बिठा देता है और उसे एक पेपर सॉल्व करने को देता है। युनसु को ये देखकर बहुत ही गुस्सा आता है। शादी वाले दिन पेपर सॉल्व कौन करता है। युनसु बोलती है मैं आज थक गई हूँ। जियांग उसकी बात को इग्नोर करता है और पेपर सॉल्व करने के लिए 2 घंटे बोलकर वहाँ से चला जाता है। 2 घंटे बाद जियांग वापस आता है और उसे पेपर लेकर सोने के लिए भेज देता है। जियांग युनसु का पेपर चेक कर रहा होता है जिसके लास्ट पेज में युनसु ने ड्राइंग बनाई होती है। प्लीज मुझे मत पढ़ाओ। जियांग ये ड्राइंग देखकर स्माइल करता है। दूसरी ओर युनसु ड्राइंग करते हुए सोच रही होती है आज एक कॉलेज गर्ल किसी की वाइफ बन गई है पर शायद मुझे लाइफ की इस नई स्टेज में अभी भी बहुत सारे इम्तिहान देने होंगे। युनसु ये सोचते सोचते ही सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग युनसु उठकर फटाफट से वॉशरूम यूज करने के लिए आती है। सियांग वहाँ आ जाता है। युनसु बोलती है तुम चले जाओ वैसे भी ये टाइम वॉशरूम यूज करने का तुम्हारा है। जियांग बोलता है अब से इस शेड्यूल को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। युनसु खुश होकर वॉशरूम में चली जाती है और खुद से ही बोलती है मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा मैंने जियांग से शादी कर ली। बाहर से जियांग वॉशरूम यूज करने का टाइम टेबल भी हटा देता है। वॉशरूम में युनसु को जियांग का मैसेज आता है उसने घर का पासवर्ड बदल दिया होता है। इसके बाद दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। युनसु जियांग से पूछती है तुमने पासवर्ड क्यों चेंज कर दिया। जियांग बताता है पहले वाला मुश्किल था और तुम्हें याद नहीं हो रहा था तो उनसे बोलते पर इस बार नहीं भूलूंगी क्योंकि यह हमारी शादी की डेट है। ब्रेकफास्ट के बाद जियांग युनसु को बोलता है जल्दी से तैयार हो जाओ शॉपिंग करने जाएंगे। युनसु खुश होने लग जाती है क्योंकि उसे लगता है जियांग उसे कपड़े वगैरह दिलाएगा। लेकिन जियांग उसे एक बुक स्टोर में ले आता है बुक्स खरीदने के लिए। युनसु पूछती है तुम मुझे बुक्स की शॉपिंग कराने लाए थे। जियांग पूछता है और तुम क्या सोच रही थी। युनसु बोलती है कुछ नहीं। युनसु रैक से बुक निकाल रही होती है लेकिन उसका हाथ नहीं पहुंचता। तभी जियांग आकर उसकी हेल्प करता है। जियांग को अपने इतने क्लोज देखकर युनसु की हार्ट बीट तेज हो जाती है। जियांग बुक निकाल कर उसे दे देता है और वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है गुआओ रो रही होती है क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे डंप कर दिया होता है। लेकिन उसे चुप कराता है कोई बात नहीं तुम्हें दूसरा मिल जाएगा। इसके बाद युनसु गुआओ के साथ होती है और सिर्फ जियांग की ही बातें करी जा रही होती है। गुआओ उससे पूछती है कहीं तुम उसे पसंद तो नहीं करने लग गई हो। युनसु साफ इनकार कर देती है। इसके बाद युनसु घर पर जियांग के सूखे हुए कपड़े उतार रही होती है और फिर उनकी खुशबू सूखने लग जाती है। तभी जियांग वहाँ आता है और ये सब देखकर बोलता है मेरे कपड़ों से मुंह पूछ रही हो क्या। युनसु बताती है नहीं चेक कर रही थी कि साफ हुए या नहीं। जियांग बोलता है जल्दी से रूम में आओ मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। युनसु अपने रूम में होती जियांग युनसु को बताता है मैंने कॉन्ट्रैक्ट में एक और पॉइंट ऐड कर दिया है अब से सारे एक्सपेंसेस तुम्हारे मैं उठाऊंगा। लेकिन युनसु का इन सब पर ध्यान नहीं होता वो सिर्फ जियांग को ही देखी जा रही होती है और इमेजिन करने लग जाती है कि जियांग उसे किस कर रहा है। जियांग उसे जगाता है और पेपर पर साइन करने को कहता है। युनसु करती है जियांग बोलता है ये क्या किया है। युनसु देखती है उसने गलत साइन कर दी है। जियांग बोलता है कोई बात नहीं दोबारा प्रिंट आउट कर दे दूंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग भी युनसु जियांग को देखकर हंसी चल रही होती है। जियांग उसे पूछता है जो लास्ट क्वेश्चन पेपर मैंने तुम्हें दिया था क्या तुमने वो सॉल्व कर लिया है। युनसु बोलती हाँ और उसे क्वेश्चन पेपर दिखाती है। जियांग उस पेपर को देखने के बाद युनसु को अपने साथ स्कूल चलकर उसकी क्लास अटेंड करने को कहता है। दोनों स्कूल पहुंचते हैं। जियांग युनसु को कार से निकलने को कहता है। युनसु बोलती है मुझे क्लासरूम नंबर बता दो मैं खुद चली जाऊंगी। जियांग बता देता है। युनसु क्लास में पहुंचती है और एक लड़की को उसका बैग हटाने को कहती है ताकि वो बैठ सके लेकिन वो लड़की हटाती नहीं है। युनसु को पीछे वाली सीट पर जाकर बैठना पड़ता है। जियांग ने ये देख लिया होता है
और क्लास लेने अंदर आता है। जियांग उस लड़की को बोलता है ये सीट स्टूडेंट्स के बैठने के लिए है, ना कि तुम्हारा बैग रखने के लिए। और जियांग युनसू को वहाँ आकर बैठने को कहता है। युनसू डरते हुए आकर बैठ जाती है। जियांग अपना लेक्चर स्टार्ट करता है। युनसू पूरे लेक्चर में सिर्फ उसे ही देखी जा रही होती है। लेक्चर खत्म होने के बाद जियांग युनसू को अपने पास बुलाता है और बोलता है क्लास में मुझ पर नहीं स्टडी पर कॉन्सेंट्रेट करो, और ये कहकर जियांग वहाँ से चला जाता है। इसके बाद युनसू लंच के लिए स्कूल कैंटीन में होती है। जियांग वहाँ आता है और उसका हाथ पकड़ कर वहाँ लेकर आता है जहाँ सभी टीचर बैठ कर लंच करते हैं। युनसू को अजीब लग रहा होता है। जियांग नोटिस करता है युनसू खाने में पालक नहीं खा रही। जियांग उसे खाने को बोलता है ये तुम्हारे ब्रेन के सेल्स को बढ़ाएगा। युनसू बोलती है ये मुझे पसंद नहीं है और मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे सेल्स हैं। जियांग ये सुनकर उसे मैथ का एक क्वेश्चन पूछता है। युनसू क्वेश्चन सुनकर चुपचाप पालक खाने लग जाती है। जियांग उसे राइस भी खाने को कहता है। युनसू सोचती है लगता है ये सारे सेल आज ही बढ़ाएगा। युनसू के फेस पर राइस लग जाता है। जियांग चॉपस्टिक से राइस युनसू के फेस से हटाता है। युनसू उसे खा लेती है। जियांग शोक हो जाता है और युनसू एम्बेरस होकर फटाफट से खाने में लग जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे, बाय बाय।